सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि पहले क्या होता था कि टेक्निकल जो कोर्स होते थे वो कोरेस्पोंडेंस मोड के अंदर क्या है कि हो जाते थे, लेकिन क्या है कि अब सर्वोच्च अदालत क्या है सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल कोर्स को लेकर साफ किया है कि टेक्निकल शिक्षा टेक्निकल कोरेस्पोंडेंस कोर्स के माध्यम से अब नहीं की जाएगी, यानी कि शिक्षा ये नहीं दी जाएगी। अब क्या है कि कोई भी टेक्निकल कोर्स क्या है कि कोरेस्पोंडेंस मोड में नहीं हो सकता है, तो ये साफ किया है, काफ़ी ज़्यादा अहम कदम है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इंजीनियरिंग जैसे विषयों में क्या है कि डिस्टेंस एजुकेशन मोड में कोर्स करने के लिए क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों को जो है मना किया गया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि कोर्ट ने इस मसले पर क्या है कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निष्कर्षों की क्या है कि पुष्टि की है, और साथ ही कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज भी कर दिया है जिसमें क्या है कि पत्राचार के माध्यम से क्या है कि टेक्निकल कोर्स की मंजूरी दे दी थी। कोर्ट का अब ये कहना है कि तकनीकी शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रम और अन्य माध्यम से नहीं उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसका मतलब साफ साफ है कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसे टेक्निकल कोर्स कहा जाता है, और इनके कोरेस्पोंडेंस मोड पर क्या है कि अब क्या है कि रोक लगा दी गई है। और इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कंप्यूटर साइंस में दूरस्थ माध्यम में ली गई डिग्री को रेगुलर मोड में ली गई कंप्यूटर साइंस की डिग्री को एक समान मानने से भी इनकार कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पहले क्या है कि टेक्निकल जो कोर्स होते थे वो क्या है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा भी होता था, जैसे क्या है कि यूनिवर्सिटी किसी और स्टेट के अंदर है और स्टेट के अंदर उसके यूनिवर्सिटी का क्या है कि शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, तो उस तरह से होते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि काफ़ी मना कर दिया गया है, ऐसे क्या है कि शिक्षण संस्थान क्या है कि और किसी यूनिवर्सिटी का क्या है कि दूसरे स्टेट के अंदर वो कोर्स वगैरह नहीं करवा सकता है। जहाँ तक समझने की बात आती है दोस्तों, ये होता है कि इसके अंदर क्या है कि नॉलेज वगैरह की कमी आ जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों अगर शैक्षणिक संस्थानों की बात करें दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि नॉलेज की कमी आ जाती है, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं कि नहीं आते, वो अच्छी तरह से जो क्या है कि जज नहीं हो पाता था, मतलब पता नहीं चल पाता था। तो इस तरह से क्या है कि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कदम लिया है कि अब क्या है कि जो कोरेस्पोंडेंस मोड के अंदर क्या है कि ये नहीं हो पाएगा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन को साफ साफ क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन है वो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर साफ साफ क्या है कि मना कर दिया गया इस मोड को। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।